अल्लाम वरम वर्क नाजरन कराम आई प्लस टी वी के मखसूस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है जो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बनु इसराइल की औरतों के फितने नाजरन कराम आपने सही मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत बारहा सुनी होगी इन दुनिया हलवन ख़जरा फरमाएल्ला के रसूल सल्ला व ये दुनिया बड़ी मीठी और सरसब्ज़ व शादाब चीज़ है व इनला मुस्तखिलीहा फ़ैनजुर कईफ़तमलून और अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता है ताकि वो देखे तुम आमल कैसा करते हो फ तक दुनिया व तकनसा तो तुम दुनिया से बचो और औरतों से बचो फ़ैन्ना अला फ़ितन तनी इसराइल अकानत फिनसा इसलिए कि बनु इसराइल का सबसे पहला फ़तना औरतों के हवाले से था सवाल यह है वो कौन सा फ़तना था और बन इसराइल की औरतों के फ़त्ने क्या हैं शायद ही कभी आपने ये सुना हो ये हदीस तो आपने बारहा सुनी होगी लेकिन बनु इसराइल के फितने कौन कौन से थे वो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन कबल इसके कि मैं उन फितनों का तस्करा करूं इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से बचो औरत से बचो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें औरतों से मुकम्मल किनारा कशी अख्तियार कर लेनी है इजतनाव करना है नहीं वरना तो दुनिया से भी बचने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम दुनिया छोड़ दें हमें इसी दुनिया में रहना है कमाना है और खाना है तो दुनिया में हमें रहना है लेकिन हराम तरीके से हमें दुनिया तलब नहीं करनी है बल्कि हमें अपनी आँखें खुली रखनी है हलाल तरीके से हम रोज़ी कमाएं और दुनिया को अपना हदफ़ और टारगेट ना बनाएं। तो इसी तरह औरतों से जो बचने की बात कही यानी हराम तरीके से हम औरतों को तलब ना करें उनके पीछे ना भागें और उनके फितनों का शिकार ना हो अपनी आंखें खुली रखें और औरतों की तालीम तरबियत का हम बंदोबस्त करें अगर वो ग़लत रास्ते पे जाती हैं तो हम उनकी तादीब करें उनको अदब सिखाएं और उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें बनी इसराइल की औरतों के फितने कौन कौन से थे सबसे पहला फितना नाजरीन कराम वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि बनी इसराइल की औरतें अपने शौहरों को दुनिया कमाने पर गलत तरीके से आमादा करती थी असबाब दुनिया के हसूल पर बेजा तरीके से आमादा करती थी सईब ने खुजैमा की यह रवायत देखिए हत अब्दुल्ला की रवायत फ़रमाते हैं कि अल्लाह है के रसूल सल्ला वसलम शाद़ फरमाया बनु इसराइल बे इमरातलफ़ीर का न तो नफिया बी अविसगी मा तुकल्लफू उमरातुल्गनी बनु इसराइल सबसे पहले हिलाक व बर्बाद हो गए इसलिए कि गरीब की औरतें अपने शोहरों से उन कपड़ों और जेवरात का डिमांड करती थी जो मालदार औरतें अपने शोहरों से किया करती थी तो अब जब गरीब लोगों के पास वो चीज नहीं होती थी तो वो गलत तरीके से दुनिया कमाते थे हराम तरीके से तो गोया ये औरतें उन्हें दीन से काफिल करती थी और गलत तरीके से दुनिया कमाने पर उकसाती थी जिसके नतीजे में वो हिला को बर्बाद हो गई दूसरी शक्ल दूसरी सूरत बनी इसराइल की औरतों के फितने की कि वो खुशबू लगा करके बाहर जाती थी और इसी तरीके से बेजा तरीके से जेब वीनत करती थी आर्टिफिशियल मन तरीके से फितरी तरीके से हट करके सही मुस्लिम शरीफ़ की ये रवायत देखिए फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इनई मरातम बनी इसराइल कानत नत तमशीमा माँ बैना इमरतैनी तवीलतैैन बनु इसराइल की एक औरत थी नाटे कद की थी छोटे कद की वो दो लंबे कद की औरतों के साथ चलती थी फत्तखदत रिजलैन मिन खशबिन व खातमा जहबिन मोगलकिन मुतबक व हशत हु उसने क्या किया कि लकड़ी के दो आर्टिफिशियल मसनू पैर बनाए क्यों अपना कद लंबा करने के लिए और एक सोने की अंगूठी बनाई जो अंदर से उसमें ऐसा नगीना लगवाया कि उसमें वो उमदा किस्म का परफ्यूम और खुशबू वो भर के निकलती थी तो जब वो मर्दों के पास से गुजरती थी तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाते थे और वो हदीस के अंदर आए फ़ालत बेधा हाक अदा वह अपने हाथ को ऐसे झटकती थी तो वो ढक्कन खुल जाता था और मर्दों तक उसकी खुशबू पहुँचती थी तो गोया ये बेजा जीनत करती थी खुशबू लगाकर जिसके नतीजे उन्होंने अपनी औरतों को कंट्रोल नहीं किया और उन्होंने जो बेजा तरीके से जेबो जीनत उनकी औरतों ने की जिसके नतीजे में हिलाक हो बर्बाद हो गए इसी तरीके से तीसरी शक्ल बनु इसराइल की औरतों के फितने की कि वो उनकी औरतें अपने बाल में मसनू बाल जोड़ा करती थीं सही बुखारी की रवायत है हस्त अबू अबूसिफियान जब हज के लिए आए तो मदीना आए मंबर रसूल तो उन्होंने खुतबा दिया और कहा ही ना नलमा उकुम तुम्हारे अलमा कहाँ हैं यानी गोया कि वो अलमा को नसीहत करना चाहते थे कि एक बहुत अहम चीज़ जिससे वो एराज कर रहे हैं और उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं और उन्होंने एक बाल का गुच्छा लिया अपने हाथ में और उसको लहरा करके कहा कि बनु इसराइल के लोग हिलाक हो गए जब उनकी औरतों ने इस बाल को अपने बाल में जोड़ना शुरू कर दिया अपने बाल को लंबा करने के लिए वो तो कोई पता चला कि लकड़ी के पैर बना करके अपना कद बढ़ा रही है कोई बाल में बाल जोड़ रही है अपने बालों को बड़ा करने के लिए गोया वो ग़लत तरीके से उनकी औरतें जेब जीनत किया करती थी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुबालगा आरई किया करती थी चौथी चीज़ और आखिरी चीज़ नाजरीन कराम वो यह है कि इबादत गाहों की तरफ जब ये जाती थी तो बेजा बनाओ सिगार करके जाती थीं हंसते आयशा फ़रमाती हैं अन्ना रसूल वसल् रामादा उलमन आहन्न मस्जिद आज औरतों ने जो गुल खिलाए हैं अल्लाह के रसूल सल्लम अगर देख लेते इन औरतों को तो इन्हें मस्जिद से मना कर देते ये जो बनाव शिगार करके जा रही है यहा बिन सईद इस हदीस के रावी कहते हैं मैंने अमरा बिन बिनते अब्दुलरहमान से पूछा जो हदीस राविया हैं कि क्या बनु इसराइल की औरतों को हकीकत में मस्जिद से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ उनकी औरतों को मस्जिद से रोक दिया गया था तो ये चंद शक्लें हैं जो कुल मिलाकर इस बात के इर्द गिर्द घूमती हैं कि बनु इसराइल की औरतें जेबो जीनत में इसराफ करती थी गलत तरीके से उसमें जेबो जीनत करती थी मुबालगा आरई करती थी और अपने शोहर को जो है वो हराम कमाई पर उकसाती थी दुनिया के लिए उकसाती थीं जिसके नतीजे में बनी इसराइल हिलाकर दिए गए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहनों को इस बात की तोफीक दे कि वो शरीयत के दायरे में रहकर के जेबोजीत अख्तियार करें